हेलो झारखंड लर्नर्स गैराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट का यह पार्ट नंबर 8 है और आज के क्लास में ओनली 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूं समय के अभाव के चलते, लेकिन यकीन मानिएगा इतना क्वेश्चन कभी आप लोग निराश नहीं होइएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गियर अप। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम पे जाइएगा, झारखंड के जितने भी यानी कि 24 के 25 जिलों का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको कंपाइल करके आपको जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है और इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया है, पासवर्ड डालिएगा खुल जाएगा, ठीक है। सारा कैपिटल लेटर में है, ये टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चाहिए और आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे होंगे, इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, एक बार जाके इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा। सारा फ्री है, मैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि पैसा मांगा जा रहा है, सारा फ्री है भैया, जाइए और इन्जॉय कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है जनजातीय सलाहकार परिषद यानी कि जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होता है कि वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य होती है, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। आंसर इसका बी है, वर्ष में दो बार बैठक इसका अनिवार्य होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद देखिएगा तो शॉर्ट में इसको TAC बोला जाता है और इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 18 अन्य सदस्य होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष यानी कि हमेशा से, पदेन शब्द कभी भी आप लोग देखते हैं तो समझिएगा कि हमेशा से जो है से वही होंगे अध्यक्ष। तो पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, पदेन उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण मंत्री होते हैं। जब वर्तमान में कौन है झारखंड के जनजातीय कल्याण मंत्री बताइएगा। कोरम इसका साथ है, कहने का तात्पर्य है कि अगर इसकी बैठक को आपको मतलब कराना है तो कम से कम 7 व्यक्ति का जो है से प्रेजेंस अनिवार्य है, उतना से कम व्यक्ति रहेंगे तो इसका बैठक जो है से नहीं हो पाएगा। और अगर बैठक को आयोजित कराना है तो आपको जो है से 10 दिन पूर्व जो है से सूचना देना पड़ेगा और वर्ष में दो बार तो अनिवार्य है, आपको पता चल गया होगा। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कभी भी जनजाति के बारे में बात आता है तो ये डेटा झारखंड के बारे में ऐसा है जो मुझे लगता है कि आप लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करते होंगे, तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपको स्लाइड के रूप में यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ऐसे तो ये तो PDF में भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा। ये ऐसा डेटा है जिसमें आप लोग बार बार कंफ्यूज कीजिएगा, तो इसको आप लोग बार बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन अगर यहां से आएगा इस तरह से तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहता है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहां पे। आंसर इसका भी है। एक चीज और यहां पे बात करना चाहूंगा, चलिए उसको आगे बात करेंगे। और लास्ट क्लास में एक गड़बड़ हो गया था, डेटा ST ऊपर चला गया था, वैसे नीचे आ गया था डेटा। तो 5 ST का सीट जो है झारखंड के जो लोकसभा सीट है उसमें 5 ST का है और AC का एक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। रांची जिले का साक्षरता दर कितना है, 66.41%, 48.82%, 76.06% या फिर 55%। आंसर इसका सी है। झारखंड में देखिएगा तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह रांची ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 76.06%। दूसरा बात है रांची के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। रांची को 1899 में डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसका रांची है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इसके 8 जो है से अन्य जिले टच करते हैं। और ध्यान रखिएगा झारखंड में सबसे अधिक जो है से बॉर्डर टच करने वाला जो है से जिला यही है, 8 जिले इसे टच करते हैं और एक वेस्ट बंगाल स्टेट भी है ना, इस भी याद रख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश भी वैसा ही राज्य है ना, 8 राज्य उसको टच करते हैं। सब डिवीजन 2 है और यहाँ पे ब्लॉक जो है से 18 है। इसका सब डिवीजन आपको बताना चाहिए, एक तो है आपका बुंडू और एक है आपका रांची, तो बुंडू में 4 प्रखंड है और रांची में जो है से 14, तो इस तरह से 18 हो जाता है। एरिया इसका 5,097 किलोमीटर² है, एरिया वाइज झारखंड का तीसरा जो है से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव से अभी भी आप लोग कनेक्ट रहिएगा, ठीक है, वहाँ भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। टोटल पॉपुलेशन आप लोग याद रखिएगा 29,14,253 है, यानी कि लगभग बोलिए तो 30 लाख के करीब जो है से रांची का जनसंख्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 572 है। आई होप कि ये डेटा आपको याद होगा क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पॉपुलेशन इंक्रीज, देखिए लास्ट जो वीडियो था उसमें जो है से 2 डिस्ट्रिक्ट को मैं डिटेल में कवर किया था, तो उसमें ये डेटा मैं कवर नहीं किया था कि पॉपुलेशन जो है से दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, और एक हेडक्वार्टर को मैं कवर नहीं किया था, तो उसको जो है से मैं डाल दिया हूँ, उसके बाद जो है PDF आपको आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ का जो सेक्स रेशियो हुआ 949, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 949, देखिएगा कैपिटल सिटी है तो पूछा जा सकता है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो बाल लिंगानुपात 938 है। लिटरेसी रेट जैसा कि आपको पता होगा 76.06% है, यहाँ डिस्कस कर दिया था। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूसी की संख्या यानी कि विधानसभा जो सीट है वह जो है 7 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 66.6% जो है वह से झारखंड का लिटरेसी रेट है। 48.82% जो है से पाकुड़ का लिटरेसी रेट है, ये झारखंड में सबसे कम है। और 55% क्या है, तो झारखंड में जो है से महिलाओं का जो है से यह लिटरेसी रेट है, 55% महिलाएं झारखंड में शिक्षित हैं। ये सब कुछ डेटा याद रखें। झारखंड में झिंपटी योजना के लिए कौन सा देश या फिर संगठन ऋण उपलब्ध कराया है, रूस, जापान, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF। आंसर इसका भी है, जापान जो है से झिंपटी योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया था।
चिमटी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट। आप लोग टपक सिंचाई मेथड जानते होंगे, पानी इसी बोलिए कि जल का संरक्षण किया जाता है, करने मतलब एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ है, तो यहाँ से इस तरह से पाइप जिसको लगा दिया जाता है और यहाँ पे जो है इसमें होल कर दिया जाता है, तो सीधे जो प्लांट होते हैं उसको सीधे पानी मिलता है और पानी मिल जाता है और पानी जो है से वेस्ट नहीं होता है, तो इसको ड्रिप इरिगेशन मेथड बोलते हैं। तो इसी के लिए जो है से झिमटी योजना यही है, तो इसके लिए जापान जो है से ऋण उपलब्ध कराया था। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, इसको याद रखेगा। ये सारा चीज हो चुका है। झारखंड में प्लास ब्रांड का क्या उद्देश्य है? राज्य में वन को बढ़ावा देना, राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, राज्य में आदिम जातियों के जीवन में सुधार लाने, या फिर एसएचजी के निर्मित उत्पादों का प्रचार प्रसार करना। आंसर क्या होगा? डी होगा। एसएचजी क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है, हिंदी में इसको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। 15 से 20 तक मेंबर आपको देखने को मिलेंगे इसमें, आपको पता होगा 20 मेंबर तक अधिकतम हो सकते हैं। तो एसएचजी का जो अगर कोई अगर उन लोग सामान बना रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार करवाना है, तो उसके लिए जो है से ये जो है से प्लास ब्रांड जो है से लाया गया था झारखंड में, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, प्लास ब्रांड का स्थापना झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन के द्वारा किया गया था, आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा किया गया था। इसको अंग्रेजी में देख लीजिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म पूछा जाए, JSLPS क्या होगा? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था प्लास ब्रांड के बारे में। न्यूज में देखिएगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधे यहाँ से नेट से उठाया हूँ इसको। 29 सितंबर 2020 को जो है प्लास ब्रांड को शुरू किया गया था, और आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को यही मतलब इसमें मिलेगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाएं जुड़ी हैं उनका जो मतलब कोई अगर सामान बनाते हैं तो उसको प्रचार प्रसार जो है इसके माध्यम से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा डी। इनमें से किस योजना की शुरुआत 4 जुलाई 2020 में नहीं किया गया था? 20 में तो नहीं होगा, 20 को होगा किंतु लगेगा नहीं, कौन लगेगा? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आंसर इसका क्या होगा? आई होप कि इसका आंसर आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको 11 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। बाकी ये जो तीनों योजना आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में जो है शुरू किया गया था 4 जुलाई को। पर्पज भी देख लीजिएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना था कि का लक्ष्य था कि जो झारखंड में है उसको फॉरेस्ट और ट्री कवर को जो है बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 5 लाख परिवारों को जो है 100 जो है फलदार वृक्ष जैसे दिए जाने का इसका लक्ष्य रखा गया था। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना वर्षा जल के संग्रहण के लिए जो है इसका मतलब पर्पज से शुरू किया गया था, और यही था कि कृषि का जो कृषि के लिए मतलब अगर जल को भंडारित करके हम रखेंगे तो उसको कृषि में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, राज्य के 500 जो खेल मैदान थे फील्ड बोलिए उसका जो है से विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया था। शहीद पोटो हो, ये देखिएगा ये जो है से किस जनजाति से, तो यह होट जनजाति से बिलोंग करते थे ना, पोटो हो या फिर पोटो साधार इनको कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी पास्ट में, पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड है, और इनसे रिलेटेड एक संग्रेसिया घाटी याद है ना, संग्रेसिया घाटी का युद्ध कब हुआ था जरा बताइएगा, आंसर इसका डी है। सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले भारत की पहली जो है से महिला शिक्षिका थी ना, इनके बारे में याद रखिएगा। ज्योतिराव फुले से इनका विवाह हुआ था, तकरीबन 8 या 9 साल की उम्र में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे। मनरेगा योजना के तहत कार्यरत सबसे अधिक मजदूरों की संख्या किस जिले में है? गिरिडीह, पलामू, गढ़वा या फिर पाकुड़? या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको, आंसर इसका ये गिरिडीह है। गिरिडीह में सबसे अधिक जो है से मजदूर है मनरेगा के तहत, आंसर इसका ए है। यहाँ तक कि अगर महिला श्रमिकों के बारे में पूछेगा मनरेगा के तहत, वो भी जो है ग्रिड में ही सबसे ज़्यादा है। मनरेगा योजना के तहत जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कराया जाता है उसमें भुगतान करने में झारखंड भारत का पहला राज्य है, ठीक है, मतलब अव्वल नंबर पे है। गिरिडीह झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक प्रखंड है, 4 प्रखंड यहाँ पे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मधुबन तीर्थस्थल भी गिरिडीह में है, इसको याद रखिएगा। और एक झारखंड धाम ना, झारखंड धाम गिरिडीह में है, बाबा धाम देवघर में, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? बीपी केसरी, अनुज लुगुन, जनसिता क्रिकेटा या फिर नीलिमा क्रिकेटा? आंसर इसका बी है, अनुज लुगुन के द्वारा यह लिखित पुस्तक है ना, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। इसके पीछे का कहानी भी है, इसको आगे अभी डिस्कस कर दूं या फिर बाद में करूं, अभी कर देता हूं।
सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो अनुज लुगुन है उनका कौन कौन सा बुक है। पत्थलगड़ी है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, आदिवासी अस्मिता, ठीक है, प्रभुत्व और प्रतिरोध, ठीक है, ये सब बुक जो है से लिखा गया है अनुज लुगुन के द्वारा। आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, आदिवासी अस्मिता यहाँ भी है, इधर भी देखने को मिलेगा तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। ये आरडी के द्वारा लिखे थे, आरडी किसको बोला जाता है, तो झारखंड में रामदयाल मुंडा को आरडी के नाम से जो है से जाना जाता है। 1953 में झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान जो कि मोराबादी रांची में है, ठीक है, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, उसकी स्थापना किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में याद रखिएगा। अनुज लुगुन इसका आंसर है। ये जो महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक है, आपको आइडिया होगा जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना रांची शुरू किया गया था, तो उस समय उनको जो है से इन्हीं का पुस्तक जो है से भेंट किया गया था, जिसके चलते यह न्यूज में। बीपी केसरी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, अजंसिता क्रिकेटर कुछ कुछ बुक के राइटर हैं, इनको याद रखिएगा। अंगूर है, ईश्वर और बाजार है, जड़ों की जमीन है, ये सब कुछ बुक लिखी है जनसिता क्रिकेटा। नीलिमा करकेटा वर्तमान में जेपीएससी की अध्यक्ष हैं, ठीक है, आंसर इसका बी हो जाए का। ये पत्थलगड़ी क्या है, देखिए पत्थलगड़ी एक बुक है, इंपॉर्टेंट है, पत्थलगड़ी मूवमेंट भी चला था, ठीक है, जमीन का जो मतलब ऐसे जो हड़प लिया जाता था उसको बचाने के लिए पत्थलगड़ी मूवमेंट चला था 2017-18 में, ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मेनली रूप से खूंटी डिस्ट्रिक्ट में चला था। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस जिले में किया गया है, ओहो, किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338 या फिर अनुच्छेद 335, आंसर इसका भी है। राज्य की विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है एसटी के लिए, वह अनुच्छेद जो है से 332 में मेंशन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण जो है से अनुच्छेद 330 में मेंशन है। 330 का कहता है, ठीक है, कि एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान होगा, और अनुच्छेद 164(1) कहता है कि जनजातीय कल्याण मंत्री का जो है से नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है, ऐसे मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 164 के तहत होता है, और जो गवर्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है से 155 के तहत होता है, ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा। तो 332 इसका आंसर होगा। चलिए, वहाँ पे बात कर रहा था पंचायत सबके बारे में, तो इसको वहीं पे डिस्कस, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो जाएगा, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, कभी डिस्कस कर दूंगा, आंसर इसका बी है। रॉ गार्डन उद्यान कहाँ पे स्थित है, गुमला, रांची, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर, तो यह रांची में लोकेटेड है रॉक गार्डन। कुछ कुछ रांची में देख लीजिएगा, श्री कृष्णा पार्क है, और मांझी पार्क है, रॉ गार्डन है, टैगोर हिल है, और गेतलसुल डैम है, ये सारा का सारा जो है से रांची में ही लोकेटेड है, तो सब प्लेस को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्कीपा भी रांची में है, SKIPA, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद है ना, डिस्कस किया था, ये भी रांची में ही है, आंसर इसका भी है रॉ गार्डन। क्वेश्चन पूछा चुका है ना, आयुष्मान योजना से संबंधित जानकारी के लिए झारखंड में टोल फ्री नंबर क्या है, तो इसके लिए आंसर होगा बिना 1455, ये जो है से टोल फ्री नंबर है आयुष्मान योजना के लिए, ठीक है। तो आयुष्मान योजना को 25 सितंबर 2018 को रांची से शुरू किया गया था ना, इस बारे में याद रखेगा, और सारा चीज़ तो डिस्कस वहाँ पे कर ही दिया था। इसमें 5 लाख का जो है से बीमा कवर होता है ना, ध्यान रखिएगा, 5 लाख का जो है से बीमा कवर होता है आयुष्मान योजना के तहत। और अभी देवघर न्यूज में था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, झारखंड में देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, सरस्वती योजना 2014 में शुरू किया गया था, सर्वजन पेंशन योजना 2019 में शुरू किया गया था, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना 2016 में शुरू किया गया था, और मुख्यमंत्री जनमन योजना 2016-17 में शुरू किया गया था, आंसर इसका बी है। जो सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया गया था 2019 में नहीं, या 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है, 15 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था सर्वजन पेंशन योजना। इसमें सभी लोगों को जो है पेंशन दिया जाता है, और सर्वजन पेंशन को लागू करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला या शुरू करने वाला झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, जरा इसको बताइएगा। सरस्वती योजना हो गया 2014 का है, बिल्कुल सही है, मेरी बेटी मेरी पहचान 2016 सही है, मुख्यमंत्री जनमन योजना 2016-17 में है, सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, योजना में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, मुख्यमंत्री जनमन योजना में इंसेंटिव पहले 50% दिया जाता था, अब 75% दिया जाता है, और इस तरह का बोलेगा तो मुख्यमंत्री जनमन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड ही है। योजना बना हुआ अभियान भी आपसे पूछते हैं, ऑलरेडी पूछ जा चुका है, 2016 में रघुवर दास का टाइम में आया था,
बाकी सारा चीज़ तो डिस्कस हो चुका है। हाँ, मेरी बेटी मेरी पहचान 2016 में शुरू किया गया था, जमशेदपुर से तिरिंग गांव से इसको शुरू किया गया था। और मेरी बेटी मेरी पहचान योजना का मन पर्पस था कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है उसको जो है से उसका प्रचार प्रसार करना ही इसका पर्पस था। दुमका जिले का लिंगानुपात कितना है, 948, 977, 938 या फिर 1021? आंसर इसका भी है 977 जो है से दुमका जिले का लिंगानुपात है। तो आज क्लास में भी दो डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिया, लास्ट क्लास में भी दो डिस्ट्रिक्ट को मैं कवर किया था, तो चार डिस्ट्रिक्ट आपका कवर हो चुका है। दुमका की स्थापना 1855 में किया गया था, ऐसे देख लीजिए कैसे बोला जाता है 93 में, लेकिन इसको जो उपराजधानी के रूप में बोलिए 1855 में इसको घोषित किया गया था, सॉरी उपराजधानी नहीं उप जिला के रूप में इसको घोषित किया गया था दुमका को। ठीक है, ये क्या हो गया है दुमका को। ठीक है, आंसर हो चुका है इसका 977, हेडक्वार्टर इसका दुमका में ही है, सब डिविजन संख्या एक है, ब्लॉक की संख्या 10 है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि दुमका में ब्लॉक की संख्या कितना है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एरिया इसका 3761 किलोमीटर स्क्वायर है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो 1,21,442, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 351 है, पॉपुलेशन की रेट ठीक है, दशक की जो जनसंख्या वृद्धि दर है यानी कि 2001 से 11 तक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ होगा वह 19.42 हुआ था। सेक्स रेशियो यहाँ का 977 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 966 है, लिटरेसी यहाँ का 61.02% है, यहाँ पे जो विधानसभा है की सीटें हैं वह 4 हैं। इतना सारा चीज़ याद रखिएगा, सारा का मैं विधानसभा सीट आपको नहीं दूंगा, जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है ठीक है वही मैं प्रोवाइड करूंगा, और उतना डीप में जाकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो समझ लीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। आंसर इसका भी है, कितना चीज़ आप लोग याद रखेगा ठीक है, एक तो सबका धड़कन ऐसे भी बढ़ा हुआ है एग्जाम को लेकर। आंसर इसका भी है, झुमका जलकुंड और ततलुई जलकुंड किस जिले में स्थित है, रांची, गुमला, साहेबगंज या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका डी, इनमें से कोई नहीं, तो फिर आंसर क्या है? तो झुमका जलकुंड और ततलुई जलकुंड जो है से दुमका डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है। झुमका जलकुंड, ततलुई जलकुंड, तातापानी कहाँ पे है ये जरा बताइएगा, क्योंकि डिस्कस कर चुका हूँ शायद लास्ट क्लास में या उससे पहले। झरिया पानी जलकुंड सारा का सारा जो है से दुमका में ही है, दुमका में करंट अफेयर्स में न्यूज में था 2-3-4 मीटर दुमका में म्यूराक्षी रिवर पर झारखंड का सबसे बड़ा नदी पुल बना है ना, इसको ध्यान रखिएगा, म्यूराक्षी रिवर पर। म्यूराक्षी रिवर देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, जिसको रावण का हेलीपैड बोलते हैं त्रिकुटा पहाड़ी को। इनमें से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता नहीं है ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार डिस्कस आपसे कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। बिरहोर, हिल खड़िया, कोरबा या फिर बैगा? आंसर इसका डी है, बैगा जनजाति जो है शिकारी संग्रहकर्ता यानी कि हंटर गैदरर टाइप में जो है इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे देखिए जो झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड पुलिस का, उसमें देखिए क्या क्या जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है जो यहाँ की जनजातियाँ उनको, बिरहोर, कोरबा और हिल खड़िया। ट्रिक दिया था बीएचके याद रखिएगा, बिरहोर, हिल खड़िया और कोरबा, तीन जातियाँ ऐसा है जिसको शिकारी संग्रहकर्ता बोला गया है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए सौर्य पहाड़ी जनजाति जाना जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए सौर्य पहाड़ी जनजाति जाना जाता है। सरल कारीगर के रूप में मोहली, लोहरा को, उसका करमाली को, चीक बड़ाई को जो है से बोला जाता है, और संथाल, मुंडा, ओराव, हो, भूमिज, ये सबको सेटल एग्रीकल्चर यानी कि जो है से ये सब स्थानांतरित कृषि नहीं करते हैं ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ललिता प्रसाद विद्यार्थी, यही जो है से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा जो है से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर ठीक है, यानी कि उनके जो संस्कृति है उसके बेस पर जो है से झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। यही पॉइंट जो है से मुझे डिस्कस करना था, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इंपॉर्टेंट रहेगा ललिता प्रसाद विद्यार्थी। आंसर इसका डी है, बैगा। झारखंड में पेट्रोल पर कितने रुपए सब्सिडी दिया जा रहा है, 20 रुपया प्रति लीटर, 25 रुपया प्रति लीटर, 30 रुपया प्रति लीटर या फिर 10 रुपया प्रति लीटर? इसमें ना पेट्रोल पर देखिएगा तो 25 रुपया जो है से प्रति लीटर जो है से झारखंड के जो बीपीएल कार्डधारी होते हैं उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और है कि आपको कितना जो है सब्सिडी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे जब भी जाइएगा तो 25 रुपया मिलेगा, इसका लिमिट है पर मंथ ऐसे 10 लीटर पर ही मिलेगा ठीक है, यानी कि 25 गुना 10 आप लोग कर लीजिए, एक महीना में 250 रुपया आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा ठीक है। सरकार के पास और भी योजना है खर्च करने के लिए ठीक है। आंसर यहाँ पे भी है, और भी योजनाएं हैं पैसे खर्च करने के लिए, सारा पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। आंसर इसका भी है, इसको याद रखिएगा। न्यूज में देखिए क्या आया था, 26 जनवरी 2022 को जो है इसको शुरू किया गया था, तो एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये क्वेश्चन देखिए पुराना है लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह का जो मतलब एक योजना हो गया जो कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। 25 रुपये मिलता है, 10 लीटर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, एक बात ध्यान रखिएगा।
पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया था? 2012 में, 2013 में, 2014 में या फिर 2016 में? आंसर बी है 2013 में पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपसे पूछ दे कि जो पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आर्चरी प्लेयर्स को, आर्चरी प्लेयर्स को, गलत बात, आर्चरी प्लेयर्स को नहीं आर्चरी कोच को दिया जाता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 2013 को 2013 के लिए राष्ट्रपति द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा महतो झारखंड की पहली महिला है जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, यानी कि फर्स्ट फीमेल भी हैं। इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत चीज मिलेगा, ठीक है। 29 अगस्त क्या, इंदर सिंह नामधारी को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार कब दिया गया था? 2007 में, 2008 में, 2009 में, फिर 2010 में? आंसर इसका बी है 2008 में इंदर सिंह नामधारी को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया था। देखिएगा तो इंदर सिंह नामधारी को एक निर्दलीय विधायक थे और निर्दलीय विधायक एकमात्र ऐसे थे जिनको जो है से यह जो है से पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है 2008 में इनको दिया गया था। पहला बार दिया गया था उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार विश्वेश्वर खां को, ठीक है। यह विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर को दिया जाता है। रघुवर दास को 2012 में दिया गया था, स्टीफन मरांडी को 2016 में दिया गया था। स्टीफन मरांडी जो है 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें देखिएगा तो ये प्रोटेम स्पीकर थे ना, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तो सारा काम जो है से प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं, आपको डिस्कस किया था डिटेल में। रामचंद्र सिंह को 2023 के लिए जो है से उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है, या मनिका लातेहार के जो है से विधायक हैं, आंसर इसका बी है 2008 में दिया गया था इंदर सिंह नामधारी को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। झारखंड विधानसभा के सबसे अधिक बार अध्यक्ष रहने वाले यही पर्सन है इंदर सिंह नामधारी, चतरा के सांसद भी रहे थे। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, 2019 में रघुवर दास को कौन हराए थे? तो रघुवर दास को हराए थे सरयू रॉय, ठीक है, सरयू रॉय हराए थे। तो इनका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, एक क्वेश्चन जरा ये बताइएगा। सरयू रॉय पर कुछ लिखा हुआ बुक है ना, द पीपल्स लीडर, याद रखिएगा द पीपल्स लीडर, विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है, इनका बायोग्राफी है द पीपल्स लीडर। झारखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इतरे ब्राह्मण में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, महाभारत में, या फिर आईने अकबरी में? देखिए दो क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं, ये तो बोले पूछेगा कि झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख और एक झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख पूछेगा। तो झारखंड शब्द का अगर प्रथम उल्लेख पूछेगा, जो कि क्वेश्चन यहाँ भी था, सब लिखा हुआ नहीं है लेकिन सब भी समझिए, तो झारखंड शब्द का पहला बार उल्लेख जो था वह 13वीं सदी के ताम्रपत्र में है, और झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख पूछेगा तो इतरे जो है से ब्राह्मण में है, ठीक है, पुंड्र नाम से, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर बी, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का पहला बार, झारखंड शब्द बोल सकते हैं, उसका उल्लेख है। झारखंड का अलग अलग टाइम में क्या क्या नाम था इस देख लीजिएगा। संथाल परगना रीजन के लिए पुराने समय में इसको नारीखंड के नाम से जाना जाता था, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश कहा गया है। मुगल पीरियड में छोटा नागपुर के लिए खुखरा प्रदेश जो है कहा गया है। ऋग्वेद काल में गिरिडीह वाला रीजन को मिली बोला जाता है, ऐसे झारखंड में आप लोग बोल सकते हैं किक्कट प्रदेश जो है बोला जाता है किक्कट। बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ठीक है, संथाल परगना रीजन के लिए कंगांजला जो है सब जो है उल्लेख है, और मौर्यन पीरियड में जो कि हरिसेना के टाइम में है, ठीक है, मुरुण देश बोला गया है छोटे नागपुर के लिए। झारखंड का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? रांची, गोला, साक्ची, जमशेदपुर या फिर मेदिनीनगर? आंसर इसका सी है, साक्ची जमशेदपुर में झारखंड का पहला महिला डाकघर जो है से खोला गया था, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गोला आप लोग नाम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, माइंड में कुछ हिट कर रहा है, आंसर देखने से पहले बताइए कि ये गोला क्यों न्यूज में था पहले और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड का पहला महिला डाकघर 2013 में खोला गया था, ठीक है, साक्षी जमशेदपुर में, ये बात ध्यान रखिएगा। और झारखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है से गोला रामगढ़ में खोला गया था, ठीक है, इसीलिए जो है से न्यूज में था, इसको ध्यान रखिएगा। ये डेटा को थोड़ा सा मुझे ना वेरीफाई करना, इंटरनेट पर सर्च किया था तो डायरेक्ट जो है से न्यूज में 2013 आया था, इसको मैं डाल दिया हूँ, लेकिन पीडीएफ में आपको वेरीफाई करके ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आंसर इसका सही है, झारखंड का महिला डाकघर जमशेदपुर में है, पहले इसको साक्षी के नाम से जाना जाता था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1938, 1950, 1963 या फिर 1966? आंसर इसका सही है, झास्को लैम डिस्कस किया था ना, झारखंड झास्को लैम, तो झास्को लैम का सपना जिस समय हुआ था उसी समय जो है से झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था, आंसर इसका सी है 1963। आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में किया गया था, बाद में आपको पता होगा 1948 में जस्टिन रिचर्ड्स का पार्टी था यूनाइटेड झारखंड पार्टी, और इनका 1938 का दोनों मर्ज हुआ, और देखिएगा तो 31 से 1 जनवरी के बीच में 1949-50 हो जाता था, तो उस दिन जो है से
झारखंड पार्टी का गठन हुआ। अब ये झारखंड पार्टी जो है से 32 सीट जो है से चुनाव में जीत कराए थे ना 1952 में। मुर्गा छाप इसका चुनाव चिन्ह था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1963 में जाकर जो है से ये जो झारखंड पार्टी है उसका कांग्रेस में विलय हो गया 1963 में। तो आज के क्लास में इतना ही, आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थोड़ा सा तो आज छोटा वीडियो रहेगा, तो सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, अगले दिन से आपको क्लास देखने को मिलेगा यथावत। वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही कम लाइक दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। वंदे भारत है पीडीएफ टेलीग्राम जाकर डाउनलोड जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और रिविजन जो है से आप लोग जरूर कीजिए। और एक टाइम आप एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, मल्टीपल सोर्स से पढ़ना जो है से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जो अलग अलग जगहों से पढ़िएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, और रिविजन पर बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक वे में जो है से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और एकदम काम रहिए, ठीक है। ठीक है, हड़बड़ाइएगा तो अभी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। वंदे भारतम, जय हिंद।